तो भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये तो आप जान रहे हो, और हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके रहते रहते हैं कि भारत कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। लेकिन इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बोले तो भारत के अंतर्गत निजीकरण अनेक रूपों में हो सकते हैं, तो आइए कौन कौन सा फोकस कीजिए, जैसे संपूर्ण विराष्ट्रीयकरण, संयुक्त उपक्रम, श्रमिकों की सहकारिता, सांकेतिक निजीकरण, ये सब देखने को मिलती है किसके अंतर्गत, तो भारत के अंतर्गत निजीकरण के रूप। तो निजीकरण के रूप में सबसे पहला संपूर्ण विराष्ट्रीयकरण। क्या है संपूर्ण विराष्ट्रीयकरण? बोले तो इसका अभिप्राय उत्पादक परिसंपत्तियों का राजकीय स्वामित्व से निजी हाथों में, देखिए राजकीय स्वामित्व बोले तो सरकार के हाथों से निजी हाथों में पूर्ण हस्तांतरण से होता है। बोलते राष्ट्रीयकरण नहीं बोला, विराष्ट्रीयकरण बोला, नेशनलाइजेशन नहीं बोला है, क्या बोलते हैं डीनेशनलाइजेशन बोलते हैं। तो राष्ट्रीयकरण बोले तो सरकार अपने हाथों में ले ली। आप देखोगे देश के आजाद होने के बाद आप देखो कई सेक्टर को भारत ने राष्ट्रीयकरण लिया, रेल हो, वायु परिवहन हो, या जो भी सेक्टर, ठीक है, हाँ जो भी है, इसका मतलब सरकार के हाथ में। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रीयकरण वी राष्ट्रीयकरण बोला जा रहा है, इसका मतलब उल्टा सरकार से निजी हाथों में वो चले गए, सार्वजनिक से निजी हाथों में हस्तांतरण हो गया। भारत में कुछ प्रमुख उदाहरण अल्विन निशान, मंगलोर केमिकल, फर्टिलाइजर तथा महाराष्ट्र स्कूटर्स हैं जो निजी हाथों में हस्तांतरण कर दिए गए। तो यहाँ पर देखिए एग्जांपल भी बताया गया है निजी हाथों में किसको किसको किया गया है, अल्विन निशान, मंगलोर केमिकल, उसके बाद महाराष्ट्र का स्कूटर्स, और निजी हाथों में हस्तांतरित कर दिए गए। नेक्स्ट संयुक्त उपक्रम पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। इसका अभिप्राय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 25 से 50 प्रतिशत या इससे भी अधिक है, ठीक है। संयुक्त का मतलब क्या हो गया, ज्वाइंट मतलब एक संस्था नहीं, एक से अधिक संस्था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कितना है, 25 से 50 प्रतिशत या इससे भी अधिक निजी स्वामित्व के आंशिक प्रवेश होता है, जो उपक्रम की प्रवृत्ति, ठीक है, जो उपक्रम की प्रवृत्ति बोले तो नेचर तथा इस संबंध में राजकीय नीति पर निर्भर करता है, और मूल उद्देश्य फर्मों की कार्यकुशलता, उत्पादकता, लाभनीयता में सुधार लाना होता है। ध्यान दीजिए संयुक्त उपक्रम में क्या बोला गया, क्या उद्देश्य है, अगर संयुक्त को उपक्रम कर दिया जाए तो कार्यकुशलता, उत्पादकता, लाभनीयता से सुधार लाना होता है। मतलब इसको ऐसे समझिए ना, अगर मान लीजिए आप अकेले बिजनेस कर रहे हो और मान लीजिए कोई दो चार जन के मिलजुल कर कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करेगा, प्रोडक्शन जो मिलजुल कर है, जो ज्वाइंट है, जो संयुक्त में, लाभ ज़्यादा किसको दिखेगा, उसी को दिखेगा। कार्यकुशलता किसमें होंगे, ज्वाइंट वाली को होंगे। लेकिन आप देखोगे वहाँ पर हो सकता है कुछ दिन ठीक चले, लेकिन आगे चल के तोड़फोड़ वाला सिचुएशन देखने को मिल जाता है। तो संयुक्त उपक्रम का मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता, प्रोडक्शन और लाभ को प्राप्त करना होता है, ठीक है। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं, देखिए तीन तरह के निजी क्या बोलते हैं संयुक्त उपक्रम के अंतर्गत तीन तरह के, ठीक है, प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते। पहला निजी क्षेत्र द्वारा 26% का स्वामित्व, तो 26% स्वामित्व बैंक को, पारस्परिक निजी निगम को, ठीक है, निजी व्यक्ति व्यक्ति को, श्रमिकों को भी स्वामित्व में सम्मिलित किया जाना होता है। तो निजी क्षेत्र में श्रमिक बोले तो मजदूरों को भी शामिल किया जाना होता है तथा 50%, ठीक है, तथा 5% तक के समूल अंश उन्हें हस्तांतरित कर दिए
जाते हैं। तो यहाँ पर हम फोकस क्या कर रहे हैं, मुद्दा क्या फोकस कर रहे हैं कि किस पर संयुक्त उपकरण तीन प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं पर 51%, ठीक है, 51% सम्मूल अंश सरकार द्वारा रखे जाते हैं तथा 49% निजी क्षेत्र BBBBBI निम्न से कौन कथन सही है, नहीं तो लाइन रहता ही रहता है। तो सरकार द्वारा कितने रखे जाते हैं, 51% निजी हाथों में कितने दे दिए गए, 49%। इसका मतलब पूरा नियंत्रण सरकार के हाथ में, 1% भी अधिक है तो नियंत्रण से कहा। जैसे कभी भी चुनाव होती है तो सत्ता पर कौन आए, जिसका वोटिंग ज्यादा की रहे। नेक्स्ट 74% मूल अंश, ठीक है, 74% समतुल अंश निजी, ठीक है, क्या बोले, निजी क्षेत्र को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं और 26% अंश सरकार रखती है। तो ये तीन कंडीशन याद रखना, संयुक्त तो उपक्रम में कि सरकार भी रखती है। तो अच्छा बताइए, सरकार इतना सारा फैसिलिटी देती है, बोलिए बिग बाजार जाइए, पुलिस वुलिस सब भी रहते हैं, तो क्या वो फैसिलिटी देता है क्या, नहीं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है श्रमिकों की सहभागिता, ठीक है, चलो रेट कीजिए इसको, लाए हो जी खाने के लिए, मस्त आया, कुछ खाओगे क्या, बस थोड़ा सा खाने का मन नहीं किया, बड़ी थकान लग रहा है, ताकि को लगता शायद कल खाना भी नहीं खाए थे और आधा रोटी खा लेते, दिख रहा है ना, सहकारिता कॉरपोरेशन योगदान, श्रमिकों का योगदान तो हम भी जान रहे हैं कि योगदान से योगदान आपको जान रहा है, वर्ड होता है ना याद भी करना आदत डाल रहा हूँ, बहुत सारा वर्ड क्या होता है कि इंग्लिश मतलब ही नहीं पता है, पूछो ना बोलचाल में भी यूज करना स्टार्ट किया, थोड़ा भूल में आ जाएगा ना, तो एक तरह से इजी लगेगा, बीच में सर हम स्टार्ट किए थे बोलने जैसे जेपीएससी का हिंदी बोले तो मतलब इंग्लिश बोले तो शिक्षित, हिंदी बोले तो सभ्य, जो शिकागो में जो मीटिंग हुआ था 1893 में ना, गए थे कौन भाषण देने, शिकागो वहां पर तो सब तो अंग्रेजी भाषण देते थे, यहाँ पर मेरे प्रियो भाइयों मित्रों गजब कर रहे हैं। प्लस किसी तरह का अट्रैक्शन भी नहीं, बगल में कोई लड़की बैठ गई है तो थोड़ा सा बात करे, इधर का ये करे वो करे, गजब गजब का कहानी, इसीलिए तो नाम पर अब विवेकानंद, विवेकानंद नाम थोड़ी था, क्या नाम उनका ने बता, नरेंद्र नाथ दत्त, हाँ वह याद है कि नाथ नाथ बोले तो भगवान, और जो भगवान रहेंगे वो विवेक उन्हीं के पास रहेगा, विवेक,
विवेकानंद का नाथ नरेंद्र नाथ दत्त। हाँ तो बोले नहीं आपको 945 कल रात में हुआ, अच्छा हाँ तो अभी जो है ना 950 ज्यादा हो गया ना, तो जो आप भेजे तो बड़ा। अब अच्छा लगा है ना? नहीं पता नहीं कल खाने का मन नहीं किया, अब लगा खा लिए, मन ना करे फिर भी खा लेना चाहिए। नहीं ऐसा नहीं रखा, खा लिए 2 बजे मैम को लाने गए स्टेशन, भूख लगा कहा बाहर वाले चीज तो खाते होते नहीं है, चलो घर घर आते फिर काम करने बैठ गए। हमको लगता है काम करके उठे 7 बजे उठे फिर सूर्य से फिर आ गए, और अभी लगता है हमको कहा है एकदम ऐसा लग रहा है तृप्ति। Thank you.